हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे शुड का प्रयोग के बारे में। सबसे पहली बात, शुड का जो मीनिंग होता है हिंदी में वो होता है चाहिए, यानी कि आपको जितना भी हिंदी में सेंटेंस मिले चाहिए चाहिए वाला सेंटेंस, तो उन सभी में आपको शुड का यूज़ करना होता है। तो शुड का हम लोग पहले सिंपल यूज देखेंगे, उसके बाद फिर इसके और भी बहुत सारे वीडियोज शुड में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुड का सिंपल यूज हम देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो सिंपल जो कथन होता है, एकदम एक डायरेक्ट सेंटेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, ये होता है। आपको वर्ब वन यूज़ करना होगा सिंपल सेंटेंस में। जैसे कौन सा सेंटेंस ऐसा होगा, जैसे मान के चलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिले, तुम्हें अब सोना चाहिए, तुम्हें उससे हेल्प लेनी चाहिए, तो इन सभी सेंटेंसेस में आप शुड का यूज़ करेंगे और वर्ब का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है वो है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा यू शुड गो देयर। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर शुड, फिर गो, फिर देयर, यू शुड गो देयर। तुम्हें अब सोना चाहिए, यू शुड स्लीप नाउ। तुम्हें उससे हेल्प लेनी चाहिए, यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम हिम। उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए, अब ये आपका नेगेटिव बन रहा है, तो शुड के बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, यू शुड नॉट गो टू हिम। हमें आज रात नहीं सोना चाहिए, वी शुड नॉट स्लीप टू नाइट। क्या आपको दवा लेनी चाहिए, अब ये जो सेंटेंस है ये आपका इंटरोगेटिव है, तो आपको शुड को पहले लिखना होगा। सेंटेंस बनेगा शुड यू टेक मेडिसिन। क्या प्रधानमंत्री को आज भाषण देनी चाहिए, ये भी इंटरोगेटिव है, शुड को आप पहले लगाएंगे। शुड PM डिलीवर स्पीच टुडे। नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या तुम्हें उसको उधार देना चाहिए, यह भी आपका इंटरोगेटिव है, तो पहले आप शुड को लिखेंगे। शुड यू नॉट लेंड हिम। अगला सेंटेंस, क्या आपको उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए, यह हो जाएगा शुड यू नॉट थैंक हिम। हमें उसे बधाई क्यों देनी चाहिए, Why should we congratulate him? आपको उससे मिलने कब जाना चाहिए, ये आपका WH वाला क्वेश्चन है, तो आपको WH वर्ड जो है वो है आपका यहाँ पर कब, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे when। उसके बाद फिर आप should का यूज़ करेंगे, when should you go to meet him। अगला सेंटेंस है उन्हें बाज़ार क्यों नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए क्यों जो है वो WH वर्ड है, इसलिए why लगाएंगे, फिर should, why should they not go to market। अगला सेंटेंस, उन्हें नौकरी की तलाश में कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये आपका WH वर्ड कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ, तो आपको WH वर्ड यहाँ पर वेयर लिखना होगा, वेयर शुड दे नॉट गो इन सर्च फॉर जॉब, इन सर्च फॉर जॉब। सिमिलरली कुछ और यूजेज हैं शुड के, उसको भी हम देखते हैं। जैसे कुछ पूछने के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है, जैसे क्या अब हमें निकलना चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये तो इंटरोगेटिव है, शुड वी लीव नाउ। कल हम कहाँ मिले, वेयर शुड वी मीट टुमारो। अब देखिए यहाँ पर मिले लिखा हुआ, मिले चाहिए नहीं है, मिले, तो ऐसा सेंटेंस कुछ पूछने के लिए भी आप इस यूज कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। वेयर शुड वी मीट टुमारो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ, शुड आई शट द विंडो। अब हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो नाउ, वेयर शुड आई गो नाउ। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, इच्छा ईश्वर से इच्छा व्यक्त करने के लिए भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको यूज़ किया जाता है शुड का, आप यूज़ करेंगे किस तरीके से करेंगे वो सेंटेंस आप देखिए किस तरीके का सेंटेंस होता है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से मिलेगा, ईश्वर करे उसे यह कभी मालूम ना हो, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गॉड फॉरबिड या इवन फॉरबिड, तो इसी का मतलब हो जाएगा ईश्वर करे, और यह जो ना है उसके लिए नॉट आप अलग से नहीं लगाएंगे, बस इसी में आपका पूरा हो गया। फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, गॉड फॉरबिड इवन फॉरबिड दैट ही शुड ईवर नो दिस, और ऐसे सेंटेंसेस में आपको ईवर का यूज करना ही होगा, ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो, गॉड फॉरबिड इवन फॉरबिड दैट इट शुड ईवर हैपन, ईश्वर करे वो आज यहाँ ना आए, गॉड फॉरबिड दैट ही शुड ईवर कम हेयर टूडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर करे आज बारिश ना हो, गॉड फॉरबिड दैट इट शुड ईवर रेन टूडे।
सो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और आप अपना इंग्लिश का स्पोकन जो क्लास होता है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड नाइट। थैंक यू। बाय बाय।